अलवरगढ़ थाना अंतर्गत गुरुकुल स्कूल कक्षा 10वीं का छात्र अज्ञात परिस्थितियों में घायल हो गया। स्कूल स्टाफ ने घायल छात्र को स्कूल के सुरक्षा कर्मी के साथ निजी अस्पताल इलाज के लिए भिजवा दिया, जिसका छात्र के परिजनों ने विरोध दर्ज कराया है। कक्षा 10वीं का छात्र यश के पिता चिरंजी ने बताया कि स्कूल की लापरवाही के चलते उनके बेटे को चोट लगी और चोट लगने के बाद स्कूल प्रशासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनके बेटे को अस्पताल लेकर नहीं गया और इसकी शिकायत स्कूल प्रशासन से की गई तो स्कूल स्टाफ रीतिका शास्त्री ने छात्र का भविष्य खराब करने की धमकी दे डाली। मैं पीछे बैठा हुआ था और पता नहीं अचानक से धक्का आया और मेरा सर दीवार में बढ़ गया और खून निकलने लगा। पता नहीं सर क्या हुआ। कौन से स्कूल में पढ़ा? गुरुकुल। कौन सी क्लास में? 10th। किसी से कोई आपकी लड़ाई वड़ाई हुई थी या क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। टीचर ने कुछ नहीं, टीचर था ही नहीं क्लास में। ऐसे कैसे लग गया आपके? मतलब अचानक से धक्का आ गया मेरे को। इसको पता ही नहीं है। कौन सी स्कूल थी? गुरुकुल। मेरे पास स्कूल से फ़ोन आया कि आपके बच्चे के लग गई है, आप सक्सेना डॉक्टर के चले जाओ। वहाँ लेके गए, उन्होंने एक गार्ड के साथ, चौकीदार होता है ना, उसके साथ भेज दिया इसको। तो मेरे को वहाँ देखते, मैं स्कूल आया, मैंने कहा आपने किसी जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं भेजा, किसी टीचर को, टीचर के साथ भेजना चाहिए था आपको बच्चे को। तो मैडम बोलती है कि मतलब हमने चौकीदार थोड़ी, वो तो हमारा गार्ड है, कि बोलती। मैंने कहा नहीं, आप जो भी टीचर हो उसको भेज दो। तो फिर वो अकड़ने लगे कि ना आपको करना जो कर लो। मैंने कहा स्कूल की लापरवाही, स्कूल की लापरवाही। इससे पहले भी, इसके करीब 5 साल पहले टीचर ने डंडा मारा था, उसका इलाज कम से कम 3-4 साल चला है इसका, काफ़ी पैसा लगा है इसके उस इलाज में भी। जब आपके अभी बेटे के लगी स्कूल, टीचर स्कूल के अंदर टीचर था या नहीं था? टीचर तो कोई थे ही नहीं, ये बोल रही कि कोई जेंट्स टीचर था ही नहीं उसमें। बाकी क्लास में क्या हुआ था वो तो मेरे को पता नहीं है। तो आप रिपोर्ट कराने में? हाँ, मैं रिपोर्ट, वो मैडम मेरे से बोलती आपको करना जो कर लो, बच्चे का भविष्य, रीतिका शास्त्री, बच्चे का भविष्य खराब कर दूंगी मैं। कि 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ, उसका भविष्य खराब कर दूंगा अगर रिपोर्ट करोगे तो। आप गुरु ये रीतिका मैडम ने ऐसे बात बोला? हाँ, उन्होंने, तभी तो हम यहाँ आए। मुकदमा दर्ज करा दिया आपने? हाँ, मुकदमा दर्ज करा दिया। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।